स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार बुझाई मित्र पर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको अपना जो जनाधार है उसमें कोई नाम करेक्शन करवाना है या फिर आपको अपनी जो जन्म तारीख करेक्शन करवानी है तो उसके लिए कितना कुछ चार्ज लगता है और कितना आपको मतलब कि क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो वो डिटेल मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो इसमें अगर मैं बात की जाए तो जैसे आपका अभी कॉलेज और स्कूलों में प्रवेश चल रहा है तो वहाँ पर कई बार आपको नाम की दिक्कत आती है क्योंकि जनाधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, अगर आपको अपना जो नाम है वो करेक्शन करवाना है, जैसे किसी के नाम में कोई मिस्टेक है, मतलब कि उसकी जाति नहीं लिखी हुई है, सिर्फ फर्स्ट नेम ही लिखा हुआ है, सेकंड नेम नहीं है, या फिर और भी कोई मिस्टेक है, जैसे कोई मात्रा की मिस्टेक होगी, तो वो आप सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो आधार कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में नाम सही है तो वो डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, आप ई मित्र के पास चाहिए, और वहाँ पर जो भी आपका नाम है जो आधार कार्ड में सही है और जनाधार में गलत है वो आप उनको बताइए, और आधार कार्ड के हिसाब से जो नाम है वो आपका करेक्शन हो जाएगा। तो इसमें आपको अगर ध्यान दें तो आपको नाम करेक्शन के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। वहाँ पर आपको ई मित्र पर जाना है और उन्हें ये बताना है कि आपका जो नाम है वो मिस्टेक है और आपको जो नाम है क्या करवाना है, क्योंकि आपको प्रूफ देना होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये कितने दिन में करेक्शन होगा, तो उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आपको अपनी जो जन्म तारीख है वो अगर मिस्टेक है वो सही करवानी है तो इसके लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे आप आधार कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो जन्म प्रमाण पत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि आपकी जो जन्म डेट है वो स्कूल में अलग है और आपकी जो जन आधार कार्ड है उसमें अलग है, तो आप आसानी से इसे जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड की सहायता से सही करवा सकते हैं। तो अगर आप ये करेक्शन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। एडिटिंग के लिए आपको ई मित्र पर 50 रुपये का चार्ज लगता है, वो आपको देना होगा, और उसके बाद में आपकी जो एडिटिंग है वो हो जाएगी। इसके बाद में आपका जो जन आधार है वो दो स्टेज में कम्प्लीट होगा, जैसे एडिटिंग होगी वो आपको एक रिसिप्ट दे देगा। तो इसको करेक्शन होने में लगभग आप देखें तो 10 से 15 दिन आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि कई बार बीच में हॉलीडे आ जाते हैं। तो ये फिजिकल तौर पर मतलब कि आपका जो जनाधार वो ऑनलाइन सबसे पहले पंचायत में जाता है अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं, और उसके बाद आपका तहसील में जाता है। यहाँ पर जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर होता है वहाँ का, तो वो उसे चेक करता है, मतलब कि यहाँ की SSO ID पर चला जाएगा, वहाँ पर इसे चेक किया जाएगा। अगर सारे दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो इसे यहाँ से सही कर दिया जाएगा। उसके बाद तहसील में पुनः चेक किया जाएगा, और वहाँ पर भी अगर दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो इसे आगे ओके कर दिया जाएगा। इसके बाद में आप देखें तो ये जनाधार का जो मेन मुख्यालय है वहाँ पर जाता है, और वहाँ से आपका जो अनुलिपिकरण है जनाधार का वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आप चाहें तो ऑनलाइन में भी आप अपनी जनाधार कार्ड जो संख्या है वो अगर आप स्कूल में देते हैं तो भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ई जनाधार भी आप डाउनलोड करके उसकी फ़ोटोकॉपी आप स्कूल में या कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी कि किस प्रकार आप जनाधार कार्ड में सुधार करवा सकते हैं। आशा करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इसी और जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और भी आपको कोई जनाधार कार्ड से जुड़ी हुई या और भी किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।